नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की खास खबरों पर। सलमान के घर फायरिंग करने वाला पांचवा आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण में बड़ा एक्शन। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और अधीक्षक पद से हटाए गए डॉक्टर सुशील भाटी को दी एसएमएस हॉस्पिटल के कार्यवाहक अधीक्षक की जिम्मेदारी। जैसलमेर की महिला ने दो लड़के और दो लड़कियों को जन्म दिया। मानव अंग प्रत्यारोपण के लिए फर्जी एनओसी प्रकरण प्रभावी जांच के लिए एसीपी क्राइम समुचित प्राधिकारी नियुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया नए संसद भवन का अवलोकन। कलराज मिश्र बोले, भारतीय शिल्प स्थापत्य और संवैधानिक दृष्टि से यह अद्वितीय इमारत। रियायती दर पर जमीन और आयकर से छूट लेकर भी निजी स्कूल फीस लेने में कर रहे हैं मनमानी। हाईकोर्ट ने जांच और ऑडिट रिपोर्ट मांगी। प्रमुख सचिव शिक्षा को हाजिर होने के निर्देश। जयपुर के पृथ्वीराज नगर में बिजली कनेक्शनों पर रोक हटी। बिना जेडीए पट्टे वालों को भी मिलेंगे बिजली कनेक्शन। हाईकोर्ट ने रोक के आदेश को किया रद्द। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को पेयजल वितरण के दौरान स्वयं घर घर जाकर जांच करने के निर्देश दिए। भरतपुर के चिकसाना गांव के 3 दर्जन महिला पुरुष मारपीट के आरोपियों के खिलाफ पुलिस कार्यवाही की मांग को लेकर पहुंचे एसपी ऑफिस। उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अरावली रिसोर्सेज और इकोसेफ इंफ्रा प्रोजेक्ट की याचिकाएं खारिज। बजरी प्लॉटों की नीलामी की राह प्रशस्त। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने की ग्रामीण विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हिमाचल प्रदेश में शिमला से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कुमार कश्यप के समर्थन में किया प्रचार। पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होकर भाजपा को विजयी बनाने का आह्वान किया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और जांजीबार के अटर्नी जनरल चैंबर्स जांजीबार के बीच हुआ एमओयू। भरतपुर में कांग्रेस सेवा दल के संस्थापक महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर नारायण राव सुब्बाराव हार्डीकर की 135वीं जयंती मनाई गई। दौसा में जिला महिला कांग्रेस कमेटी एवं नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने महिला उत्पीड़न के आरोपी भाजपा के सहयोगी सांसद प्रज्वल रवेना के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दौसा में भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर 10 मई को शोभा यात्रा एवं महाआरती के आयोजन को लेकर मंगलवार को परशुराम धर्मशाला में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। राजस्थान में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। 2 से 3 और डिग्री बढ़ सकता है तापमान। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।